आरोग्य जागृति। दर्शकों, आरोग्य जागृति में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो कैंसर पीड़ित लोगों के लिए हम बात करने वाले हैं, और हमारे साथ में ऐसी शख्सियत है जो औरंगाबाद के पूर्व माहिती संचालक रह चुके हैं, काफ़ी सोशल में काफ़ी उनका संपर्क रहा है, सभी क्षेत्र के लोगों उनसे साथ में रहते हैं, उनसे कनेक्ट रहते हैं, और उन्होंने यहाँ से जाने के बाद भी आज भी औरंगाबाद से उन्हें काफ़ी लगाव है, और ऐसे में आज हमारा भाग्य है कि आज हम उन्हीं से बात करेंगे जो जन जागृति में हमेशा सक्रिय रहते हैं, और हम जैसे पत्रकारों को उन्होंने काफ़ी सराहना की है, प्रोत्साहन दिया है, इसी के वजह से आज उन्हीं से बात करेंगे कैंसर के ऊपर। माननीय पूर्व महासंचालक देवंत सर, आरोग्य जागृति में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया, मेरे विचार आप लोगों के सामने रखने की मुझे संधि उपलब्ध कर दी, इसलिए तो मैं आपका आभारी हूँ ही, लेकिन मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूँ कि और सारे तो चैनल्स है, यूट्यूब है, बहुत सारी बातों के ऊपर न्यूज़ होगा, एंटरटेनमेंट होगा, उसी के ऊपर उनका बहुत जोर रहता है, लेकिन आपकी खासियत यह है कि आपने आरोग्य जागृति जो कि आदमी के ज़िंदगी से जुड़ा हुआ विषय है वो अपने हाथ में लिया है, और आप तहे दिल से, चाहे वो आपका चैनल रहो, चाहे वो आपका आरोग्य जागृति न्यूज़पेपर हो, और केवल इतना ही नहीं तो आप अलग अलग शिविर लेते हैं, अलग अलग पीड़ितों की मदद करते हैं, उनके घर वालों को आप हमेशा सराहना देते हैं, विश्वास देते हैं, ये मेरी दृष्टि से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और इसलिए मुझे ये खुशी हुई है कि आप जैसे व्यक्ति के साथ आज मेरी मुलाकात हो रही है। अभी दिन ब दिन जैसा अभी अपने कार्यकाल में, जो सर्विस के कार्यकाल में आपने काफ़ी लोगों को नज़दीक से देखा है, और आप रिटायर होने के बाद भी आप पूरा जो अब आगे का जीवन भी आप काफ़ी जन जागृति में ये कर रहे हो, इसमें आपको कैसा लगता है? अभी सच बताने का तो मैं करियर के ऊपर भी गाइडेंस करता हूँ, मैंने करियर के ऊपर 250 आर्टिकल्स लिखे और जिसकी एक किताब भी निकली, करियर चाहे नवे दिशा। तो मेरा हमेशा मानना है और कहना है कि अपनी लगन क्या है, अपनी इच्छा क्या है, अपनी क्षमता क्या है, हमारा लगाव किस ओर है, ये बातें देख के ही किसी ने भी करियर चुनना चाहिए। केवल डॉक्टर बनने से गाड़ी बंगला मिलता है इसलिए डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनेंगे तो अच्छी नौकरी मिलेंगी, या अफसर ही बनेंगे तो ठाट बाट से रहेंगे, ऐसे विचारों से प्रेरित होके प्रभावित होके हमने निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमारी अपनी क्या इच्छा है, हमें अच्छा क्या लगता है, इसका ध्यान रखना चाहिए, इसका ध्यान पालकों ने, माँ बाप ने भी रखना चाहिए कि केवल अपनी जोर जबरदस्ती से बच्चों को कुछ नहीं बनाना चाहिए। और इसीलिए जब मेरे ये ध्यान में आया कि मेरा लक्ष्य केवल पैसे ही कमाना नहीं है, तो पैसा तो कमाना ही पड़ता है, क्योंकि खुद की रोजी रोटी संसार के लिए खुद को ही देखना पड़ता है, वो कोई चलाने नहीं आने वाला है। तो मैंने फिर 35 साल पहले कॉरपोरेट सेक्टर में था मैं, और उस वक्त की नौकरी मैं चालू रखता था तो आज शायद मुझे महीने का 25 लाख रुपए तक तनख्वाह मिलता था, लेकिन मैंने वो कॉरपोरेट सेक्टर छोड़ा और लोगों के लिए जन जागृति का काम करना शुरू किया, और फिर मैं 4 साल पत्रकार था, 6 साल दूरदर्शन में निर्माता प्रोड्यूसर था, और 26 साल महाराष्ट्र गवर्नमेंट में था डायरेक्टर करके रिटायर हुआ। तो मुझे पैसा नहीं मिला इसका दुख नहीं है, लेकिन मुझे सुख इसका है, खुशी इसकी है कि जो मैंने मन चाहा काम किया जिंदगी भर, तो उससे मुझे बहुत खुशी मिली, और मैं हमेशा मानता हूँ कि आज भी सभी बातें पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। जैसे कि एक खुशी है, आप किसी भी स्टोर में जाके, किसी भी मॉल में जाके ऐसा नहीं बोल सकते कि ये 2 लाख रुपए लो और मुझे 2 किलो खुशियाँ दो, तो ऐसा आज भी दुनिया में करीबी कि किधर भी पॉसिबल नहीं है। वैसे आरोग्य का भी है, आप किसी को बोल नहीं सकते कि ये 10 करोड़ लो और मुझे 10 साल कुछ नहीं होगा इसकी गारंटी लो, होने के बाद आपको इंश्योरेंस का पैसा भी भले ही मिलेगा, लेकिन नहीं होने की गारंटी दुनिया में कोई भी आज भी नहीं ले सकता, भले कितनी भी विज्ञान ने तरक्की की है। तो ऐसे जो कुछ बातें जो कुदरती है,
तो कुदरती बातों को हमने कुदरती उसके ऊपर का जो सवाल है उसके ऊपर का जो जवाब है वो हमने कुदरती ढंग से ढूंढना चाहिए। केवल पैसे के बल पे सभी बातें नहीं हो सकती है, और ये बातें ध्यान में रखने की हमने अपनी खुशी का ध्यान रखना चाहिए, हमने अपने आरोग्य का ध्यान रखना चाहिए कि ये पैसे से खरीदी जाने की चीज़ नहीं है। आप भले कितने करोड़पति हो या कोई भी हो, लेकिन आपकी सेहत का ध्यान आपने रखना ही चाहिए। आपको सुबह जल्दी उठना है, वक्त पे चाय नाश्ता खाना और वक्त पे सोना और वक्त पे ही अपना जो भी कुछ व्यायाम होगा वो करना, ये बातें बहुत ज़रूरी है ताकि जो रोज़मर्रे की ज़िंदगी आप अच्छे ढंग से जी सकोगे और आने वाला आपका भविष्य भी आरोग्यदायी रहेगा, जिससे आपको भी तकलीफ नहीं होगी, आपके घर वालों को भी तकलीफ नहीं होगी और ज़िंदगी खुशी से हमारी गुजरती रहेगी, इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सर, जैसा बताया कि आरोग्य ये ख़रीदा नहीं जा सकता है, लेकिन आज दिन ब दिन आरोग्य की समस्या बढ़ती जा रही है। इसमें काफ़ी नई पीढ़ी जो है बहुत इसमें गुरफट मतलब इसके आड़ में मतलब इसके अंदर आ रही है कि बैड हैबिट जो वे टोबैको वगैरह ऐसे खा रहे हैं, इसमें पेशेंट को कैंसर के प्रमाण ज़्यादा बढ़ रहे हैं या उनका खुद का शेड्यूल जो रहता है वो इन डिस्टर्ब रहता है, तो ऐसे लोगों को आप क्या सजेशन देंगे? अभी कैंसर की तो कुछ वजह आपने बताई हुई है, लेकिन आज भी दुनिया में इसके ऊपर बहुत संशोधन हो रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैंसर क्यों होता है। अभी जैसे कि मेरे घर का ही उदाहरण मैं दूंगा, मेरी वाइफ को 4 साल पहले कैंसर हुआ था। अभी मेरी वाइफ इतनी हेल्थ कॉन्शियस रही है, वो खुद वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर थी, और फिर सुबह शाम घूमना, एक्सरसाइज करना, ध्यान धारणा करना, और कभी बाहर का नहीं खाती थी। भले हम किसी 5-स्टार होटल में फंक्शंस के लिए जाओ, किसी प्रोग्राम के लिए जाओ, तो मैं भले ही खाता पीता था लेकिन वो कभी नहीं खाती थी। घर में आके भले रात के 11 बजे आके खिचड़ी बनाएंगे, लेकिन खुद के हाथ का खाएंगी। इतना सेहत का ध्यान रखने के बावजूद उसको 4 साल पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ। वो भी कैसे कि पेट में दर्द होने लगा, तो एक डॉक्टर के पास गई तो उसने कुछ गोलियां दी, फिर भी 4 दिन हुआ तो फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर सहेली की बात मान के और दूसरे डॉक्टर के पास गई तो उसने और स्ट्रॉन्ग गोलियां दे दी, तो उससे क्या हुआ, सुधरने के बजाय और वो वीक हो गई, और उसके 3 हफ्ता पहले ही वो अमेरिका में रह के आई थी, तो इतनी अच्छी हालत में थी, और वो 10 दिन में उसकी एकदम हालत बिगड़ गई कि इतनी दुनिया घूम के आई हुई लड़की और वो आते से ही एकदम ये हो गई। तो जो बात है वो दोनों डॉक्टर के ध्यान में नहीं आई, तो फ़ोन के उसके आवाज़ से मेरी बेटी ने पहचाना कि मम्मी की तबीयत बहुत ही गड़बड़ हो गई है। उसने बुलाया और फिर डॉक्टर जो फैमिली डॉक्टर थे हमारा दिल्ली वाला, तो पेट दर्द कर रहा है बोले, तो उसने इमीडिएट पेट को हाथ लगा के चेक किया, तो उनके ध्यान में आया कि पेट में गांठ है करके, तो उन्होंने इमीडिएट सोनोग्राफी वगैरह करने लगाया। और देखो अभी डॉक्टर का होना भी कैसा, जो मन से ही डॉक्टर होता तो ही ये सब बातें करता है, कि जो बातें एक MBBS और एक MS डॉक्टर के MD डॉक्टर के ध्यान में नहीं आई, ये बात हमारे जो डॉक्टर डेली वाला है वो तो होम्योपैथिक डॉक्टर है, लेकिन उनके ध्यान में आई और उन्होंने सलाह दी, इसलिए आगे की सोनोग्राफी वगैरह सब हो गई और फिर जो ऑपरेशन हुआ, तो डॉक्टर रेखा डावर मैडम जो मेरी अच्छी करीबी हमारे रिश्ते रहे हैं, क्योंकि वो भी जे हॉस्पिटल की हेड थी, मैं भी मंत्रालय में डायरेक्टर था तो हमारा अच्छा ताल्लुकात रहता था, और उनको इमीडिएट दिखाया तो जो ऑपरेशन 1 घंटा चलेगा ऐसा लग रहा था वो 6.5 घंटा चला, और फिर उसमें बड़ा ट्यूमर निकला, और वो ट्यूमर मैडम को और जैसा कि डाउट था कि हो सकता है ये ट्यूमर कैंसर का ही हो, तो इसीलिए उन्होंने कैंसर सर्जन को भी हाजिरी रखा था, तो इमीडिएट उन्होंने वो ऑपरेशन किया, 6.5 घंटा चला और वो कैंसर का वो निकाला, और फिर 3-3 हफ्ते के बाद वो केमोथेरेपी भी चालू हुई, और जो डावर मैडम ने ऑपरेशन किया तो उन्होंने हमको बात सुनाई, कड़ी बड़ी बोली बात कही, बोले जब मैं 3 साल पहले आपके सोसाइटी में आई थी
आरोग्य दिन के दिन पे उसी वक्त मैंने आपको बोला था कि औरत को और आदमियों को भी जो बदलती जीवन शैली है उसे अलग अलग बातें उनके आरोग्य से जुड़ रही है जो कि पहले नहीं दिखती थी, और इसलिए आज की बदलती हुई बातों को ध्यान में रखते हुए 35 साल की उम्र के बाद कुछ टेस्ट तो ऐसे है कि जो स्त्री और पुरुष दोनों को ही हर साल करके चेक करना चाहिए कि मेरी हालत अच्छी तो है ना, कुछ ये तो नहीं है ना। नहीं तो आज भी ऐसे देखा जाता है कि कुछ होने के बाद ही हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, और कई बार तो इतने देर से जाते हैं कि बड़े से बड़ा डॉक्टर हो या बड़े से बड़ा भी हॉस्पिटल हो तो वो कुछ कर नहीं पाते हैं। सर, जैसा बताया कि कैंसर जो ऐसी बीमारी है, जैसा भी अभी अपन सवाई के बारे में बोलते थे, लेकिन इतना कॉन्शियस हेल्थ के बारे में कॉन्शियस रहे कि मैडम जो कॉन्शियस रहती थी, आप एजुकेट फैमिली होने के बाद भी आपको इतना सफ़र होना पड़ा, और इसमें आपको कैसे कैसे दिक्कतें आई सर, और क्या क्या आपको फेस करना पड़ा, और कैसा महसूस हुआ आपको ये जो कर रहे हैं वो कितना तकलीफ से आपको गुजरना पड़ा? अभी एक तो बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि भले मेरी वाइफ को कैंसर हुआ लेकिन वो हेल्थ कॉन्शियस थी, शुरू से उसने अपनी हेल्थ बहुत अच्छी रखी थी, और हेल्थ बोले तो सिर्फ शारीरिक हेल्थ ही नहीं तो शारीरिक और मानसिक दोनों के ऊपर उसने ध्यान दिया था, हम भी ध्यान देते थे, इसलिए वो कैंसर को फाइट करने में उसकी बहुत बड़ी आसानी हुई क्योंकि वो तबीयत से ही मजबूत थी और उसकी मनोधारणा भी थी तो वो मजबूती थी। और इसीलिए एक तो हमने क्या किया, सच्ची कहने का तो पहले एक डेढ़ महीना तो किसको बताया ही नहीं कि इसको कैंसर हुआ है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्योंकि क्या होता है हमारे रिश्तेदार रहते हैं, फ्रेंड्स लोग आते हैं मिलते हैं, वो भले अच्छेपन से आने को आते हैं मिलते हैं लेकिन मिलते मिलते ऐसी कुछ और बातें कहे जाते हैं कि उससे वो मरीज और उसके घर वाले और डर जाने की संभावना हो जाती है कि ऐसा हुआ उसका वैसा हुआ ये हुआ वो, उनका मकसद डराने का नहीं रहता है, वो भले प्यार से बातें बताते रहते हैं लेकिन उसके असर जो होता है वो बहुत बुरा हो जाता है। तो ये सब बातें ध्यान में रख के हमने तो डेढ़ महीना किसको पता ही नहीं चलने दिया कि ऐसा ऐसा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ ये हुआ वो हुआ, हम अपने मैं मेरी वाइफ मेरी बेटी और मेरे वाइफ के भाई और उनकी बीवी है, बस पांच लोगों के तक हमने ये सीमित रखा, और उसका बड़ा अच्छा फ़ायदा हुआ, हमने अपना वो सब निपटाया, और उसका भी मनोधैर्य देख के फिर रिलायंस हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन हुआ था, तो रिलायंस का खुद का वेब चैनल है तो उन्होंने उसकी मुलाकात वेब चैनल पे ली, कैसा उसने फाइट किया, कैसे हमने भी उसको पॉजिटिव लिया, और भी फिर दूरदर्शन में मुलाकात हुई, आकाशवाणी पे हुई, और जलक जलक मुलाकातें हुई होती रही। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि कैंसर का नाम लेते ही आज भी आदमी डर जाता है कि कैंसर बोले तो मौत, बस ऐसी उसकी धारणा हो जाती है, घर वाले भी डर जाते हैं कि अरे बाप रे कैंसर हो गया ना तो अभी गया कुछ ये ही नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यही ध्यान में रख के फिर मेरी वाइफ ने एक किताब लिखा है, उसका नाम है कॉमा, कैंसर बोले तो फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा है, हो गया तो हो गया, उसको स्वीकारो कि कैंसर हो गया है तो ये कुछ ज़िंदगी का जीवन का अंत नहीं है, तो इसके आगे भी हमें जीना है, इसके आगे भी हमें जाना है, और हमें ये स्वीकार के उसके ऊपर का जो कुछ उपचार है इलाज है वो हमने करना ही चाहिए, मनोधैर्य कायम रखना चाहिए, अच्छी हमारी जीवन शैली है वो अच्छी बनाए रखना चाहिए, अच्छा खाना होगा, फल खाना होगा, ड्राई फ्रूट्स खाना होगा, घूमना फिरना ये सभी बातों के ऊपर हमने ध्यान देना चाहिए। और फिर ये सब ध्यान में रख के फिर उसने किताब लिखी कॉमा करके, वो डिम्पल पब्लिकेशन ने प्रसिद्ध की है, उसको भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और फिर किताब की भी मर्यादा देख के फिर उसके ऊपर ही हमने कॉमा नाम की डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका उद्घाटन पिछले साल महाराष्ट्र के राज्यपाल महोदय कोश्यारी साहब ने राजभवन में किया था। तो ये 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में हम यही बताते हैं कि कैंसर हुआ तो कैसे हुआ और नहीं और होने के बाद हमने कैसे उसको मुकाबला देना चाहिए, किसका कैसा मनोबल कायम रखना चाहिए। और फिर हमने एक नया प्रोग्राम भी शुरू किया कॉमा संवाद उपक्रम, तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक तो मेरी वाइफ उसको कैंसर हुआ तो कैसे हुआ और उसने कैसे फाइट आउट किया ये 7-8 मिनट में बताती है, और फिर जो संबंधित संस्था ने जो बुलाए हुए डॉक्टर रहते हैं वो 7-8 मिनट तक आरोग्य के बारे में बताते हैं,
और फिर हम 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बताते हैं, ऐसा एक 25 मिनट का ये होने के बाद फिर आगे के जो भी 35-40 मिनट रहते हैं पूरा सवाल जवाब के ऊपर रहते हैं, और फिर ऑडियंस के लोग अपने सवाल जवाब पूछते हैं और उनका वहीं पे वो सवालों का जवाब दिया जाता है, उनकी जो भी शंका होती है, जो भी मन में की बातें रहती है वहीं के वहीं उसका निपटारा हो जाता है। और इस तरह से हम आरोग्य के बारे में जन जागृति का प्रयास कर रहे हैं। इसमें यही बात हम बताते हैं कि आरोग्य का ख्याल कैसे रखना चाहिए, खुद का ख्याल खुद नहीं कैसे रखना चाहिए, घर वालों का कैसा रखना चाहिए, और 35 साल की उम्र के बाद कुछ टेस्ट जो रहते हैं तो हर साल हमने कैसे करना चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ तो भी और हो जाता है और फिर चेकिंग हुआ तो पता चलता है डायबिटीज़ हुआ है, ब्लड प्रेशर हुआ है, उसके पहले कब हुआ रहता वो पता भी नहीं चलता है। और जैसे कि हमारी डावर मैडम भी बताती है कि वो पहले जेजे हॉस्पिटल में हेड थी तो वो सोचती थी कि जो गरीब औरतें आती है वो गरीब होती है, अनपढ़ होती है, इसलिए खुद के सेहत का ध्यान नहीं रखती। लेकिन उन्होंने बताया जब मैं रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में आई तो इधर तो आते आए औरतें वो उद्योगपति रहते हैं, करोड़पति लोग रहते हैं, उनकी बीबियाँ रहती है, उनकी बेटियाँ रहती है, उनकी बहुएँ रहती है, तो वो भी खुद के तरफ खुद के सेहत की तरफ जो ध्यान देना चाहिए वो देती नहीं है, और कुछ एकदम ही सीरियस स्टेज पे होता है तभी वो आती है। और बहुत बार तो फिर वही होता है कि ऐसी स्टेज पे डॉक्टर भी फिर कोई भगवान नहीं है, डॉक्टर भी कोई परमेश्वर नहीं है कि कुछ वो भी कुछ जादूगर नहीं है कि कुछ जादू करेंगे और सब ठीक ठाक करेंगे। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो आरोग्य जागृति है कि केवल गरीबों में होना जरूरी नहीं है, तो जो भी मध्यम वर्गीय है और जो भी अमीर लोग हैं उनों तक इसकी बहुत ज़रूरत है कि ध्यान पे आप बात ख्याल रखोगे तो वक्त पे कुछ बातें इनिशियल स्टेज में ध्यान में आ जाती है तो उसके ऊपर उपचार होते ही है और अच्छे होते हैं। जैसे कि कैंसर, अगर ये पहले स्टेज में दूसरे स्टेज में भी ध्यान में आता है तो आज भी उसके ऊपर अभी अच्छे इलाज निकले हैं और आदमी अच्छा होता है, लेकिन आपने अगर उसका ख्याल रखा नहीं, उसके वक्त पे आपकी खुद की जांच पड़ताल की नहीं, और अगर वो थर्ड स्टेज में ध्यान में आए तो फिर आज भी उसके ऊपर दुनिया में इलाज नहीं है, तो फिर ऐसे इतनी देर से ध्यान में आने के कारण और उसके ऊपर इलाज भी हो नहीं सकते हैं। अभी हमने पिछले साल के कोरोना में भी देखा है कि जिन्होंने अपने सेहत का ख्याल रखा, जो जो भी हिदायतें दी थी, जो जो भी सूचनाएं थी, जिन्होंने इसका अच्छी तरह से पालन किया वो इससे दूर भी रहे, या हुआ भी था तो जिनकी अच्छी सेहत थी, अच्छा मनोबल था, वो अच्छे भी हुए हैं। और भले कोई तो 80-90 साल के उम्र वाले भी अच्छे हुए हैं, लेकिन जिन्होंने ख्याल नहीं रखा, जो बेफिक्र रहे, तो वो तो 30-35 साल की उम्र वाले भी इसमें दुर्दैव से गुजर गए हैं। तो ये आरोग्य की जैसे मैं हमेशा बताऊँ तो हम खरीद नहीं सकते, तो इसका अपना ख्याल, हमारा ख्याल हमने ही रखना है, ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सर, जो आरोग्य जागृति का एक अभियान चल रहा है कैंसर फाइटर, हम कैंसर पेशेंट को पेशेंट नहीं बोलते, कैंसर फाइटर, क्योंकि वो उससे जूझ के बाहर आया है। इसमें आपके बोलने से आपने जो पॉजिटिव देखा है, पेशेंट को पॉजिटिव और मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है, पैसे से ज़्यादा मॉरल सपोर्ट, और पेशेंट ने पॉजिटिव लेना है तो हर एक चीज़ को मात कर सकते, जैसा कैंसर भयानक है, अंत नहीं है। अभी जैसे कि मैंने शुरू में भी बोला था कि दुनिया भर में संशोधन हो रहा है, क्योंकि बाकी की जो भी बीमारियाँ होती है ना, तो बाहर से जीव जंतु आता है शरीर में और उसके कारण होती है, लेकिन कैंसर की ये जो बीमारी होती है कि वो जो उसकी पेशी होती है वो आपके ही खुद के शरीर में पैदा होती है, और वो कैसे पैदा होती, क्यों पैदा होती, इसका अभी तक कुछ इसका संशोधन अभी चल रहा है, और होती है तो उसको रोकने का आज भी कुछ ये नहीं है, वैक्सीन नहीं निकला है कि ये आप टीका लगा लोगे तो कैंसर नहीं होगा, ऐसा भी कुछ नहीं अभी तक हुआ है। तो इसीलिए हमने ख्याल रखना ही बहुत ज़रूरी है, और जैसे कि हमारी खान पान की व्यवस्था है कि जैसा देखे जाते तो शुरू में हम घर का ही खाना खाते थे, आज वक्त पे ही सोते थे, ये बहुत जो बातें हैं मैं हमेशा बोलता हूँ कि आदमी भले चांद पे भी गया हो और मंगल पे भी जाने की बातें करता हो, लेकिन वो कुदरत के ऊपर कभी विजय नहीं पा सकेगा।
तो कुदरत ने जो दिन का ये रखा है, रात का, दिन भर आप काम करो, रात भर आप आराम करो, वैसे नहीं होता। आज लोग दिन रात काम करते हैं, 12 एक दो बजे तक जागेंगे, काम करेंगे, दूसरे दिन देर से उठेंगे, जल्दी उठेंगे। ये जो अलग किस्म की लाइफस्टाइल बढ़ती जा रही है, इसलिए आज हम देखते हैं कि 25-30 साल की उम्र में लड़के लड़कियाँ को कमर दर्द होता है, आँखों की तकलीफें होती है, और मेंटल डिसऑर्डर बढ़ रहा है, नैराश्य की समस्याएं बढ़ रही है। तो ये इसका कारण क्यों हो रहा है कि हम कुदरती बातें कुदरती ढंग से लेने के बजाय हम चाहते हैं, हम सोचते कि मैं कुदरत के ऊपर मात करूँगा और अपने मन चाहे बातें करूँगा, तो लेकिन वैसा अभी तक कोई ऐसी बात नहीं निकली है कि हम कुदरत के ऊपर विजय पा सकेंगे। सर, एज अ माहिती संचालक, जैसा आपने काफ़ी अनुभव लोगों भी देखा है, अभी आरोग्य जागृति का अभियान चल रहा है सर, कि जिसमें कैंसर जो पेशेंट रहते हैं, जिसके लिए हम पैलेटिव केयर सेंटर चालू करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को भी बताइए, पैलेटिव मतलब पेशेंट को कितना, जैसा भी महिला को अपन जैसा देख रेख करते हैं, वैसा कैंसर पेशेंट के लिए देख रेख करना कितना इम्पोर्टेंट है, और उनको मॉरल सपोर्ट कितना, क्योंकि वो काफ़ी दर्द से गुजर रहा रहता है, तो ऐसे लेके लोगों के लिए मॉरल्स पैसों ज़्यादा मॉरल सपोर्ट ज़रूरी है। आपने ये बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है, क्योंकि कैंसर में तो क्या होता है, एक पेशेंट ही खुद को गुनाहगार समझने लग जाता है कि अरे मेरे को ये क्या हो गया, मैंने क्या पाप किया था, मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ये हो गया है, और एक तो खुद को भी कोसने लगता है, और फिर क्या होता है कि घर वालों को भी उसको संभालना देखभाल करना बहुत मुश्किल होते रहता है, क्योंकि हर एक का अपना अपना जीवन रहता है, अपना अपना बच्चे रहेंगे तो उनका स्कूल है, कॉलेज है, लोग है तो उनके सर्विस है, बिजनेस है, ये है वो है, और वो चलती हुई गाड़ी को एकदम कैंसर के कारण झटका बैठता है, और सबका ही जन जीवन के ऊपर उसका असर होता है, और ये झटका इतना बड़ा रहता है कि किसको इसका अनुभव नहीं रहता है। तो इसलिए वो कैंसर पेशेंट का कैसा ख्याल रखना चाहिए, उसकी मानसिकता कायम रहेगी, मनोबल कायम रहेगा, घर में अच्छा वातावरण रहेगा, ये कैसा करना चाहिए, इसका किसी को अनुभव नहीं रहता है, और फिर चाहे अनचाहे कुछ अनबन होने लगती है, खिटपिट होने लगती है, घर वालों को भी फिर वो सभी संभल नहीं पाते हैं, और उसके कारण रिश्तों में भी दूरी आती है, जो उसका ख्याल रखना चाहिए वो रखा नहीं जा सकता है। तो इसीलिए आपका जो प्रयास हो रहा है कि ऐसे पीड़ितों के लिए एक अच्छी सी जगह रखे, जहाँ ऐसे समदुखी लोग रहेंगे, एक दूसरे को देखेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि अरे मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, तो और भी लोग हैं, और उनकी केयर करने वाले जब अगर जिसको आज हम कहते हैं कि प्रोफेशनल सोशल वर्कर, कि जो पढ़े हुए है सोशल वर्क का, पेशेंट केयर का अच्छा उन्होंने ज्ञान हासिल किया है, तो वो भी अच्छी तरह से इनकी हिफाजत करेंगे, देखभाल करेंगे, और फिर सभी को एक राहत मिलेंगे कि भाई मेरी ज़िंदगी है तो किसी के ऊपर बोझ नहीं है, और मैं अकेला ही नहीं है, तो और भी लोग हैं, तो उसको भी बड़ी राहत मिलेंगी, और एक ही जगह पे ऐसे सब प्रकार की जो भी सुविधा है, जो भी ट्रीटमेंट की बातें हैं, जो भी डॉक्टर्स का आना जाना देखना, उनकी केयर करना है, तो ये बहुत ही सिस्टमेटिकली होगा। और केवल मैं तो ये सोचता हूँ कि ये केवल औरंगाबाद या औरंगाबाद ज़िले के लिए ही नहीं, तो पूरे महाराष्ट्र, और केवल महाराष्ट्र ही नहीं तो पूरे भारत के लिए एक ऐसा आदर्श उदाहरण बन जाएगा कि जहाँ कैंसर पीड़ितों की इस ढंग से देखभाल हो रही है। और इसीलिए आपका जो प्रयास है ये जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिए, मेरी तो शुभकामनाएं है ही, लेकिन मैं तो ये भी चाहूँगा इससे ज़्यादा अगर मैं कुछ इसमें योगदान दे सकता हूँ तो वो भी मैं ज़रूर दूंगा। और आपका प्रयास जो है, तो मैं आप सभी दर्शकों को भी अपील करूँगा कि डॉक्टर शेख अफसर साहब का जो प्रयास है, ये बड़ा सामाजिक उत्तरदायित्व का काम वो निभा रहे हैं, तो हमने सब ने मिल के उनका साथ देना चाहिए। जिसको जो भी सुविधा में हाथ लगा सकता है, कुछ कोई पैसे दे सकेगा, कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो दे सकेगा, जो भी कुछ दे सकते हैं अपनी तरफ से देना चाहिए। और ये केंद्र जो मैंने बोला कि एक आदर्श होगा, एक निराला उपक्रम होगा, तो इसके लिए हमने आगे बढ़ना ज़रूरी है।
थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा हमारे दर्शकों को आपने मार्गदर्शन किया और हम बहुत हमारा खुश नसीब समझते हैं क्या जो आप उससे पीड़ित आपके साथ में पेशेंट रहते हुए इतना खुल के बात किया है। काफ़ी हमने पेशेंट के घर में देखा कि वो बताते नहीं हैं, जैसा आपने बताया कि भाई डेढ़ महीना हमने किसको बताया नहीं है, इससे पेशेंट का भी मनोबल मतलब खचता है। और आपने जो पॉजिटिव लिया है और जो आज मैडम स्टैंड हुई है, एक आदर्श है सबके लिए, बहुत बड़ा उपक्रम आपने हाथ में लिया है। सोशल काम भी कर रहे हैं आप, अपना रिटायरमेंट जो है पेशेंट के खिदमत में डाल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हम सभी से आपके साथ में शुभकामनाएं चाहते हैं और इसी तरह हमें मार्गदर्शन और गाइडलाइन देते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत बहुत ध्यान पे आप बात ख्याल रखोगे तो वक्त पे कुछ बातें इनिशियल स्टेज में ध्यान में आ जाती है तो उसके ऊपर उपचार होते ही है और अच्छे होते हैं। जैसे कि कैंसर, अगर ये पहले स्टेज में दूसरे स्टेज में भी ध्यान में आता है तो आज भी उसके ऊपर अभी अच्छे इलाज निकले हैं और आदमी अच्छा होता है, लेकिन आपने अगर उसका ख्याल रखा नहीं, उसके वक्त वक्त पे आपकी खुद की जांच पड़ताल की ही नहीं, और अगर वो थर्ड स्टेज में ध्यान में आए तो फिर आज भी उसके ऊपर दुनिया में इलाज नहीं है, तो फिर ऐसे इतनी देर से ध्यान में आने के कारण और उसके ऊपर इलाज भी हो नहीं सकते हैं। अभी हमने पिछले साल के कोरोना में भी देखा है कि जिन्होंने अपने सेहत का ख्याल रखा, जो जो भी हिदायतें दी थी, जो जो भी सूचनाएं थी, जिन्होंने इसका अच्छी तरह से पालन किया, वो इससे दूर भी रहे, या हुआ भी था तो जिनकी अच्छी सेहत थी, अच्छा मनोबल था, वो अच्छे भी हुए हैं। और भले कोई तो 80-90 साल के उम्र वाले भी अच्छे हुए हैं, लेकिन जिन्होंने ख्याल नहीं रखा, जो बेफिक्र रहे, तो वो तो 30-35 साल की उम्र वाले भी इसमें दुर्दैव से गुजर गए हैं। तो ये आरोग्य के जैसे मैं हमेशा बताऊँ तो हम खरीद नहीं सकते, तो इसका अपना ख्याल, हमारा ख्याल हमने ही रखना है, ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सर, जो आरोग्य जागृति का एक अभियान चल रहा है कैंसर फाइटर, हम कैंसर पेशेंट को पेशेंट नहीं बोलते, कैंसर फाइटर, क्योंकि वो उससे जूझ के बाहर आया है। इसमें आपके बोलने से आपने जो पॉजिटिव देखा है, पेशेंट को पॉजिटिव और मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है, पैसे से ज़्यादा मॉरल सपोर्ट, और पेशेंट ने पॉजिटिव लेना है तो हर एक चीज़ को मात कर सकते, जैसा कैंसर भयानक है, अंत नहीं है। अभी जैसे कि मैंने शुरू में भी बोला था कि दुनिया भर में संशोधन हो रहा है, क्योंकि बाकी की जो भी बीमारियां होती है ना, तो बाहर से जीव जंतु आता है शरीर में और उसके कारण होती है, लेकिन कैंसर की ये जो बीमारी होती है कि वो जो उसकी पेशी होती है वो आपके ही खुद के शरीर में पैदा होती है, और वो कैसे पैदा होती, क्यों पैदा होती, इसका अभी तक कुछ इसका संशोधन अभी चल रहा है, और होती है तो उसको रोकने का आज भी कुछ ये नहीं है, वैक्सीन नहीं निकला है कि ये आप टीका लगा लोगे तो कैंसर नहीं होगा, ऐसा भी कुछ नहीं अभी तक हुआ है। तो इसीलिए हमने ख्याल रखना ही बहुत ज़रूरी है, और जैसे कि हमारी खान पान की व्यवस्था है कि जैसा देखे जाते तो शुरू में हम घर का ही खाना खाते थे, आज वक्त पे ही सोते थे, ये बहुत जो बातें हैं मैं हमेशा बोलता हूँ कि आदमी भले चांद पे भी गया हो और मंगल पे भी जाने की बातें करता हो, लेकिन वो कुदरत के ऊपर कभी विजय नहीं पा सकेगा। तो कुदरत ने जो दिन का ये रखा है, रात का, दिन भर आप काम करो, रात भर आप आराम करो, वैसे नहीं होता। आज लोग दिन रात काम करते हैं, 12-1-2 बजे तक जागेंगे, काम करेंगे, दूसरे दिन देर से उठेंगे या जल्दी उठेंगे, ये जो अलग किस्म की लाइफस्टाइल बढ़ते जा रही है, इसलिए आज हम देखते हैं कि 25-30 साल की उम्र में लड़के लड़कियाँ को कमर दर्द होता है, आँखों के तकलीफें होती है, और मेंटल डिसऑर्डर बढ़ रहा है, नैराश्य की समस्याएं बढ़ रही है। तो ये इसका कारण क्यों हो रहा है कि हम कुदरती बातें कुदरती ढंग से लेने के बजाय हम चाहते हैं, हम सोचते कि मैं कुदरत के ऊपर मात करूँगा और अपने मन चाहे बातें करूँगा, तो लेकिन वैसा अभी तक कोई ऐसी बात नहीं निकली कि हम कुदरत के ऊपर विजय पा सकेंगे। सर, एज अ माहिती संचालक, जैसा आपने काफ़ी अनुभव लोगों भी देखा है, अभी आरोग्य जागृति का अभियान चल रहा है सर, कि जिसमें कैंसर जो पेशेंट रहते हैं, जिसके लिए हम पैलेटिव केयर सेंटर चालू करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए, पैलेट मतलब पेशेंट को कितना, जैसा भी महिला को अपन जैसा देख रेख करते हैं, वैसा कैंसर पेशेंट के लिए देख रेख करना कितना इम्पोर्टेंट है,
और उनको मॉरल सपोर्ट कितना, क्योंकि वो काफ़ी दर्द से गुजर रहा रहता है, तो ऐसे लेके लोगों के लिए मॉरल्स, पैसों ज़्यादा मॉरल सपोर्ट ज़रूरी है। आपने ये बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है, क्योंकि कैंसर में तो क्या होता है, एक पेशेंट ही खुद को गुनाहगार समझने लग जाता है कि अरे मेरे को ये क्या हो गया, मैंने क्या पाप किया था, मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ये हो गया है, और एक तो खुद को भी कोसने लगता है, और फिर क्या होता है कि घर वालों को भी उसको संभालना देखभाल करना बहुत मुश्किल होते रहता है, क्योंकि हर एक का अपना अपना जीवन रहता है, अपना अपना बच्चे रहेंगे तो उनका स्कूल है, कॉलेज है, लोग है तो उनके सर्विस है, बिजनेस है, ये है वो है, और वो चलती हुई गाड़ी को एकदम कैंसर के कारण झटका बैठता है, और सबका ही जन जीवन के ऊपर उसका असर होता है, और ये झटका इतना बड़ा रहता है कि किसको इसका अनुभव नहीं रहता है। तो इसलिए वो कैंसर पेशेंट का कैसा ख्याल रखना चाहिए, उसकी मानसिकता कायम रहेगी, मनोबल कायम रहेगा, घर में अच्छा वातावरण रहेगा, ये कैसा करना चाहिए, इसका किसी को अनुभव नहीं रहता है, और फिर चाहे अनचाहे कुछ अनबन होने लगती है, खिटपिट होने लगती है, घर वालों को भी फिर वो सभी संभल नहीं पाते हैं, और उसके कारण रिश्तों में भी दूरी आती है, जो उसका ख्याल रखना चाहिए वो रखा नहीं जा सकता है। तो इसीलिए आपका जो प्रयास हो रहा है कि ऐसे पीड़ितों के लिए एक अच्छी सी जगह रखे, जहाँ ऐसे समदुखी लोग रहेंगे, एक दूसरे को देखेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि अरे मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, तो और भी लोग हैं, और उनकी केयर करने वाले जब अगर जिसको आज हम कहते हैं कि प्रोफेशनल सोशल वर्कर, कि जो पढ़े हुए लिखे पढ़े हुए है सोशल वर्क का, पेशेंट केयर का अच्छा उन्होंने ज्ञान हासिल किया है, तो वो भी अच्छी तरह से इनकी हिफाजत करेंगे, देखभाल करेंगे, और फिर सभी को एक राहत मिलेंगे कि भाई मेरी ज़िंदगी है तो किसी के ऊपर बोझ नहीं है, और मैं मेरे जैसा मैं अकेला ही नहीं है, तो और भी लोग हैं, तो उसको भी बड़ी राहत मिलेंगी, और एक ही जगह पे ऐसे सब प्रकार की जो भी सुविधा है, जो भी ट्रीटमेंट की बातें हैं, जो भी डॉक्टर्स का आना जाना देखना, उनकी केयर करना है, तो ये बहुत ही सिस्टमेटिकली होगा, और केवल मैं तो ये सोचता हूँ कि ये केवल औरंगाबाद या औरंगाबाद जिले के लिए ही नहीं, तो पूरे महाराष्ट्र, और केवल महाराष्ट्र ही नहीं तो पूरे भारत के लिए एक ऐसा आदर्श उदाहरण बन जाएगा कि जहाँ कैंसर पीड़ितों की इस ढंग से देखभाल हो रही है, और इसीलिए आपका जो प्रयास है ये जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिए। मेरी तो शुभकामनाएं है ही, लेकिन मैं तो ये भी चाहूँगा इससे ज़्यादा अगर मैं कुछ इसमें योगदान दे सकता हूँ तो वो भी मैं ज़रूर दूँगा, और आपका प्रयास जो है तो मैं आप सभी दर्शकों को भी अपील करूँगा कि डॉक्टर शेख अफसर साहब का जो प्रयास है ये बड़ा सामाजिक उत्तरदायित्व का काम वो निभा रहे हैं, तो हमने सब ने मिल के उनका साथ देना चाहिए, जिसको जो भी सुविधा में हाथ लगा सकता है, कुछ कोई पैसे दे सकेगा, कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो दे सकेगा, जो भी कुछ दे सकते हैं अपनी तरफ से देना चाहिए, और ये केंद्र जो मैंने बोला कि एक आदर्श होगा, एक निराला उपक्रम होगा, तो इसके लिए हमने आगे बढ़ना ज़रूरी है। थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा हमारे दर्शकों को आपने मार्गदर्शन किया, और हम बहुत हमारा खुश नसीब समझते हैं कि जो आप उससे पीड़ित आपके साथ में पेशेंट रहते हुए इतना खुल के बात किया है। काफ़ी हमने पेशेंट के घर में देखा है कि वो बताते नहीं हैं, जैसा आपने बताया कि भाई डेढ़ महीना हमने किसको बताया नहीं है, इससे पेशेंट का भी मनोबल मतलब खचता है, और आपने जो पॉजिटिव दिया है और जो आज मैडम स्टैंड हुई है, एक आदर्श है सबके लिए, बहुत बड़ा उपक्रम आपने हाथ में लिया है, सोशल काम भी कर रहे हैं आप, अपना रिटायरमेंट जो है पेशेंट के खिदमत में डाल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हम सभी से आपके साथ में शुभकामनाएं चाहते हैं, और इसी तरह हम आरोग्य जागृति।